किसानों की जमीन हथियाई और दमाद और दलाल ने मिलकर रसमलाई खाई, वो कभी नहीं करेंगे हरियाणा की भलाई। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जोर पकड़ चुका है। भाजपा के तमाम स्टार प्रचारक चुनावी रण में जमकर पसीना बहा रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल की हमीरपुर सीट से सांसद अनुराग ठाकुर ने तिगांव हलके के कोराली गांव में प्रचार किया। यहां उन्होंने भाजपा उम्मीदवार राजेश नागर के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने हुड्डा सरकार के दौरान हुए कथित जमीन घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि जनता दलाल और दामाद को सत्ता नहीं सौंपने वाली। जिन लोगों ने किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन हड़प ली थी, वो हुड्डा सरकार थी। हजारों करोड़ रुपए का उनका मुकदमा चल रहा है और जिन्होंने भ्रष्टाचार की कमाई खाई, जमीनों किसानों की जमीन हथियाई और दामाद और दलाल ने मिलकर रसमलाई खाई, वो कभी नहीं करेंगे हरियाणा की भलाई। ऐसे कांग्रेसियों को नहीं लाना है। और जिन्होंने दलितों का उत्पीड़न किया, उसकी प्रयोगशाला चलाई, उनको भी नहीं लाना है। साथियों, जितने अनार में दाने होते हैं उतने कांग्रेस में गुट हैं। जो चुनाव से पहले इतना लड़ रहे तो बाद में कितने लड़ने वाले हैं। जिनकी अपनी पार्टी में हो इतनी लड़ाई, वो कैसे करेंगे हरियाणा वासियों की। वहीं तिगांव से निवर्तमान विधायक और भाजपा प्रत्याशी राजेश नागर ने पूर्व की हुड्डा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले खर्ची और पर्ची से नौकरी मिलती थी, लेकिन 2014 के बाद से युवाओं को मेरिट पर नौकरी मिल रही है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, हमेशा नहीं रहूंगा। और रही बात विकास की, 2014 में केंद्र में भी हमारी सरकार बनी और प्रदेश में भी बनी। प्रदेश में आपको पता है, बिना पर्ची बिना खर्ची के हमारे जो मुख्यमंत्री पूर्व में रहे नौकरियां दी। कोई आदमी ये नहीं कह सकता, कोई भी जिसको नौकरी मिली है, कि मैं पैसे से लगाऊं या सिफारिश से लगाऊं। पहले नौकरियों की बोली लगती थी या अप्रोच लगा के लगती थी, नेताओं के चक्कर काट काट के लोगों के जूते घिस जाया करते थे, कोटे बांटे जाते थे, विधायक के 10, एमपी के 15, मुख्यमंत्री के 20 और मंत्री के 18 ऐसे। और वही लोग लगते थे जो उनके रिश्तेदार या अपने नजदीकी या तो जानकार होते थे, जो लोग पूरे साल मेहनत करते थे अपना अपनी मेरिट पे, वो अपनी नौकरी लगना चाहते थे पर उनका नंबर नहीं आता था। लगते कौन थे? जो सिफारिश या फिर पैसे से। आज जो भी हमारी नौकरियां लगी हैं पूरे हरियाणा में, कोई भी नहीं कह सकता कि भाई हम पैसे देके लगे हैं या। बहरहाल पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की रैली में उमड़ी भारी भीड़ ने तिगांव में किस तरफ हवा बह रही है इसका एहसास करा दिया। भाजपा प्रत्याशी राजेश नागर अपने प्रतिद्वंदियों पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।